नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्योंकि तेरी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस विषय को लेकर केंद्रीय कमेटी से भी बात किया उसने, जो दीदी ने बताया, आदरणीय सिटी मजिस्ट्रेट महोदया ने बताया जी। और कानपुर के जिलाधिकारी महोदय के ऊपर भी बात किया। कल रात में कमेटी का गठन कर दिया गया है आपके कहने अनुसार कि एक हफ्ते का समय यह जिला प्रशासन को दे दिया जाएगा, तो निश्चित तौर पर जो कमेटी बनी है उसके ऊपर दबाव बनाते हुए हम एक हफ्ते के अंदर कोई ना कोई निर्णय इस पुल के संबंध में ले लेंगे। इसको खोला जाएगा, कोई ना कोई निर्णय ले लेंगे। जो निर्णय हम लोग शुक्लागंज के नगरवासी धोखे में नहीं रहेंगे ना जी। हमको जो राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति या शासन प्रशासन के ऊपर जो धोखा है, वो धोखा हमारा स्पष्ट हो जाएगा कि पुल का निर्णय क्या होगा। यदि पुल को बंद करना है तो तोड़ डालिए, इसका विकास क्या व्यवस्था करनी वो सरकार करेगी नहीं करेगी, और इसको चालू करना है तो देर मत कीजिए, क्योंकि शुक्लागंज की जनता जो 7 लाख की आबादी है उसके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है कानपुर और उन्नाव के व्यवस्था के चक्कर में। इसको खोला जाएगा। शांत रहो पहले, एक मिनट बोलो क्या बात है, आप क्यों रही है ना, क्या बोलो बोलो बोलो। अच्छा ये एक हफ्ते के अंदर, आज 9 तारीख है, यदि 16 तारीख तक जिला प्रशासन ने कोई निर्णय उचित नहीं लिया तो 17 तारीख को हम आपको आश्वस्त करते हैं कि पुनः एक बार यहाँ पे हमें अनशन करने के लिए हम बैठे होंगे।